कवर्धा जिले के पोलमी गांव के आदिवासी कन्या छात्रावास के रसोईया पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। छात्रावास की छात्राओं ने आरोप लगाया है कि रसोईया उनसे अभद्रता और मारपीट करते हैं। इसके अलावा उन्हें मेन्यू के हिसाब से भोजन भी नहीं दिया जा रहा है। सभी छात्राओं ने रसोईया को हटाने की मांग की है। वहीं छात्रावास की अधीक्षिका निर्मा राजन पर भी छात्राओं ने मारपीट करने के आरोप लगाए हैं। बता दें कि ट्रांसफर हुई अधीक्षिका परिणीता बर्बन छात्रावास पहुंची तो उन्हें देखते ही छात्राओं ने गेट में ताला चढ़ दिया। मैं जो हमारे समाज के बच्ची लोग हैं, जो है छोटे छोटे बच्चे लोग जो है बच्चियाँ यहाँ पढ़ रहे हैं और रह रहे हैं, उनके पालक द्वारा मेरे को फ़ोन करके बताया गया कि यहाँ बच्ची लोगों को जातिगत बैगा समाज के छोटे जाति का कह करके रसोईया द्वारा उनको गाली गलौज दिया गया है करके बताया गया है उनके पालक द्वारा और बच्चियों द्वारा। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए, ये जो है इस टाइप का व्यवस्था ठीक नहीं लगा मेरे को जो है। हमारे यहाँ के चपरासी लोग हमसे बहुत बदतमीजी से बात करते हैं सर, ठीक से भी बात नहीं करते हैं। जो हमारे गुस्से तो उसे खाने में उतारते हैं सर, खाने में सर नखून भी पाया गया है सर, शाम को सर तार मिला है और फिर बाल मिला है सर खाने में सर। ऐसा किस लिए करते हैं आप लोगों के साथ? वो तो हमें पता नहीं सर।